हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप को लेकर दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 6 गुर्गों को दबोच लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टे का दुर्ग पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन सट्टे पर लगाम लगाने बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया था, जिसके बाद दुर्ग पुलिस लगातार ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़े लोगों पर लगाम कसती दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन सट्टे के 90 कारोबारियों को पकड़ा है। उनसे प्राप्त डाटा एवं सूचना के विश्लेषण से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत आज करोड़ों रुपए के ऑनलाइन सट्टे के पैसे के लेन देन का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों के 50 से अधिक खातों के माध्यम से सट्टे के पैसे का लेन देन किया जा रहा था। आरोपियों से 12 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 1 मॉनिटर, 1 CPU, 3 कीबोर्ड, 4 माउस, 1 ब्रॉडबैंड, 4 लैपटॉप चार्जर, 6 ATM कार्ड और 8 चेकबुक सहित 3 पासबुक बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही महादेव ऐप से जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर का भी खुलासा हुआ। इस अवैध कारोबार को दुबई, UAE एवं भारत के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नागपुर, उत्तर प्रदेश में गिरोह के अन्य सदस्य भी कर रहे हैं। महादेव ऐप में दुर्ग पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। पहली बार उनका पूरा सेटअप और ब्रांच हमने जगदलपुर में जो है बस्ट किया, जिसमें कि हमें 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल, 50 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मिले। 8 टोटल 6 एम्प्लॉइज़ को हमने पकड़ा, उसमें 4 फुल टाइम थे, 2 पार्ट टाइम थे। इनके द्वारा एल्युमिनियम के गोडाउन का इस्तेमाल महादेव ऐप चलाने के लिए किया जा रहा था। 20 लाख में ये पैनल बेचा करते थे और उसके बाद हर 1000 रुपये में ये एक नया ID बनाया करते थे। इनके द्वारा पिछले 20 दिन में 5000 IDs बनाए गए और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सभी जगह के पूरे देश भर के IDs बनाया करते थे। लगातार हमें मालूम चला है इनसे पूछताछ में करीब 300 लड़के जो हैं भिलाई क्षेत्र के इस कारोबार में लगे हुए हैं। ये अनएम्प्लॉयड यूथ को पैसों की लालच में ल्योर करते हैं और उनको महादेव ऐप की ट्रेनिंग देके इसमें फंसाते हैं। इनसे हमें इनके मोबाइल रिकॉर्ड से हमें बहुत सारी सूचनाएँ मिली हैं और भी गिरफ्तारियाँ होने की संभावनाएँ हैं। महादेव ऐप में अभी तक 90 गिरफ्तारियां दुर्ग पुलिस द्वारा की गई हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए। आगे अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।